नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। तो आज की बैंकिंग न्यूज शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला अपडेट आ रहा है पेटीएम पेमेंट बैंक की तरफ से। आपको पता है उसमें सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों खुलते हैं। कुछ दिनों पहले जो करंट अकाउंट खुलता था उसको ऑनलाइन अप्लाई करके हम ऑनलाइन अकाउंट खोल सकते थे, लेकिन पेटीएम ने कहा कि हम इस करंट अकाउंट को अब ऑफलाइन की तरफ ले जा रहे हैं। यानी आप अप्लाई तो ऑनलाइन कर सकते हो, लेकिन जो आपके KYC डॉक्यूमेंट है वो आपको एक एजेंट आपके घर पे आएगा, डॉक्यूमेंट कलेक्ट करेगा, उसके बाद में आपका पेटीएम जो करंट अकाउंट खुलता है वो ओपन हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या एक ग्लिच आ रहा था कि जो हम KYC डॉक्यूमेंट के लिए जो एजेंट आता था वो 1 महीने 2 महीने बहुत लंबा टाइम लेता था। तो पेटीएम ने इस पे कार्रवाई करते हुए कहा अब आपको 1 हफ्ते के अंदर KYC एजेंट का कॉल आ जाएगा कि सर आप अपने डॉक्यूमेंट रेडी रखिए। तो ये अपडेट काफी अच्छा है। जो दूसरी बैंकिंग न्यूज है वो काफी इंपॉर्टेंट है। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि 25 अगस्त को सरकारी बैंकों के जो MDO CEO है, जो प्रमुख अधिकारी है, उनकी एक मीटिंग होगी जिन पे जो चर्चा होने वाली है उनमें दो मुख्य मुद्दे सामने आ रहे हैं। पहली बात NPA पे चर्चा होगी और दूसरी जो बैंकों ने पिछले साल सरकारी बैंकों ने जो प्रदर्शन किया है उनका जो रेवेन्यू बढ़ा है या NPA घटा है, कुछ भी हो उन पे चर्चा होगी। तो ये भी काफी अच्छा अपडेट है। तीसरी जो बैंकिंग अपडेट आने वाली है वो भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। SBI ने होम लोन, आपको पता है होम लोन पे काफी ज्यादा ब्याज लगता है और जो उसकी प्रोसेसिंग फीस होती है वो भी काफी ज्यादा होती है। तो SBI ने कहा है कि यदि आप होम लोन के लिए 31 अगस्त 2021 से पहले अप्लाई कर लेते हो तो आपको 0.40% की जो प्रोसेसिंग फीस लगती है वो नहीं लगेगी, उससे आपको छुटकारा मिल सकता है। और जो होम लोन पर ब्याज लगने वाली है वो है 6.70%। तो ये फी काफी ज्यादा अच्छी न्यूज है उन लोगों के लिए जो होम लोन लेने की सोच रहे थे। चौथा अपडेट है SBI प्लेटिनम डिपॉजिट एक नई स्कीम शुरू कर रहा है जिसमें जो सामान्य ब्याज मिलता है उससे ज्यादा ब्याज मिलेगा। वो कितना ज्यादा ब्याज मिलेगा? 0.15%। अब मैं आपको सामने स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। यदि आप सामान्य तरीके से 75 दिन के लिए बैंक में डिपॉजिट करते हो कैश तो 3.9% का ब्याज मिलता है, लेकिन जो मैंने आपको स्कीम बताई SBI प्लेटिनम डिपॉजिट उसके तहत करते हो तो आपको 4.05% का ब्याज मिलता है। यदि 525 दिन के लिए यदि आप डिपॉजिट करते हो कैश तो 4.9% का ब्याज मिलता है। और यदि आप SBI प्लेटिनम डिपॉजिट स्कीम के तहत यदि आप कैश को डिपॉजिट करते हो तो 5.05% का ब्याज देखने को मिल जाता है। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। यदि आपके पास कैश है और आप बैंक में सामान्य स्कीम के तहत कैश को डिपॉजिट करते हो तो आपको कम ब्याज मिलता है, लेकिन SBI की नई स्कीम के तहत करते हो तो आपको 0.15% ज़्यादा ब्याज मिल सकता है। अगली बैंकिंग न्यूज़ है जो बैंकिंग तो नहीं लेकिन एक ऐसी अपडेट है जिससे आपको इन्वेस्टिंग या पैसा बचाने को लेकर एक ऐसी सचेत आएगी जिसको आप सोच सकते हो कि यार पैसा बचाना कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है। मैं आपको बता दूं 1947 में गोल्ड की प्राइस 89 रुपये प्रति 10 ग्राम रुपये थी, यानी 10 ग्राम सोने के कितने रुपये लगते थे? 89। और 2021 में आज सोने की कीमत हो गई है 48,000 रुपये। तो ये बैंकिंग न्यूज का पहला एपिसोड था। यदि कोई कमी रह गई हो तो ज़रूर बताइए कमेंट में, हम सुधारने की जरूर कोशिश करेंगे। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, यदि चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल रात 9 बजे।